ईवीएम हैंगिंग के विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया बड़ा बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ईवीएम हैंगिंग को लेकर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि ये आरोप निराधार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि अगला लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीनों और वीवीपीएट मशीनों से ही होगा। ईवीएम हैंगिंग विवाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कहना है कि आने वाले चुनाव भी ईवीएम से ही लड़े जाएंगे। सुनील अरोड़ा का कहना है कि वह राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि हम लोग बैलेट पेपर के जमाने में वापस नहीं जा रहे हैं। हम ईवीएम और वीवीपीएट से ही चुनाव करवाना जारी रखेंगे। However, we are not happy with even with those six incidents. We would like to, in elections, we should have zero tolerance for any incident of this nature, and we all have it. But you see, EVMs by now having been used for nearly two decades in the elections in India, in various states, in various forms, starting with four or five states, then spreading to other states, and VVPATs now since the Himachal elections, and before that, five, six districts on an experimental basis, pilot basis, are now here to stay. Therefore, since it is of a slightly recent origin, and this is a different kind of machine, and there have been some incidents, and it's a kind of trial by learning, but the learning is by and large over. Of course, learning in life is never over. I am talking of learnings in terms of the incidents and failure on the ground. मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब दो दिन पहले ही लंदन में भारतीय मूल के एक हैंकर ने दावा किया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैक हुए थे और बीजेपी ने चुनाव धांधली से जीता था। सुनील अरोड़ा ने इन आरोपों पर कहा कि हम लोग बैलेट पेपर के जमाने में वापस नहीं जा रहे हैं, हम ईवीएम और वीवीपीएट को ही जारी रखेंगे। सुनील अरोड़ा ने कहा कि हम किसी भी तरह की आलोचना और प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो किसी राजनीतिक दल के द्वारा ही क्यों न की जा रही हो। सुनील अरोड़ा ने कहा कि लगातार हो रही आलोचना के बावजूद ईवीएम और वीवीपीएट को चुनाव आयोग नहीं छोड़ने जा रहा और बैलेट पेपर के जमाने में भी नहीं जा रहा। दरअसल ईवीएम हैंगिंग को लेकर ताजा विवाद तब सामने आया जब लंदन में अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली हुई थी। इसी के साथ ये भी दावा किया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। What I am trying to say is that on the one hand, and we have two CMDs, one in BEL, one in ECIL, at least one of them involved recently in the some of the most sensitive programs on the ground on the naval submarines of India, Rear Admiral Chaubey. The other, Mr. Gautama, a technocrat, a very, very senior technocrat, and somebody whom the industry and the peer groups look to and respect. In fact, even those level of CMDs are sometimes uncomfortable because the standards of the TEC, they are so exacting and they are so strict that it should be kind of those who experience it, only they know how exacting they are. इस खुलासे के बाद से ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। इनमें कांग्रेस ने वीवीपीएट मशीनों के जरिए 50% गिनती सुनिश्चित करने की मांग की थी, साथ ही ईवीएम को निष्पक्ष और पारदर्शी, साथ ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी आवश्यक कदम उठाने की मांग चुनाव आयोग से की थी। इधर बीजेपी ने ईवीएम हैंगिंग को लेकर किए जा रहे तमाम दावों को कांग्रेस प्रायोजित बताते हुए तमाम आरोप लगाए और वहां पर मौजूद रहे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर सवाल खड़े किए थे, लिहाजा नया सियासी विवाद भी छिड़ गया। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए हैं। इससे पहले भी बीएसपी, समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं। खुद कांग्रेस अधिवेशन में भी ईवीएम की आलोचना करते हुए बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की पैरवी की गई थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा ईवीएम हैंगिंग को लेकर नया विवाद शुरू हुआ तो एक बार फिर ईवीएम पर सियासी निशाने लगने शुरू हो गए और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान काफी बड़े मायने रखता है। जाहिर है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम हैंगिंग को लेकर नया विवाद छिड़ गया। इस पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दो टूक साफ कर दिया है कि
ईवीएम मशीनें पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं और वीवीपीएट प्रक्रिया भी पारदर्शी है, लिहाजा इसको विवाद न बनाया जाए। ऐसे वक्त जब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान काफी मायने रखता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।